हूँ मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से। आज 7 मार्च 2023 के यूट्यूब लाइव में सबका स्वागत करता हूँ। आज और सभी को वार्निंग भी, क्योंकि आज मार्च और ऑरोरा बोरियालिस मेरे यहाँ पे बादल आए हुए, बरसात हो रही है, नहीं आ रहा होगा, देख सकते हैं आप, मैं भीगा हूँ, बरसात हो रही है, बरसात हो रही है। और आज 7 मार्च है, पूनम की रात। आज पूरा चांद जो है वो दिखेगा, इंडिया से चला जा रहा है मगर अमेरिका में भी दिखेगा अगले 8 घंटे के लिए। और इसके वजह से एक बड़ा मैग्नेटिक इम्पैक्ट जो है वो क्या कड़की सुनाई देगी अभी। फास्टर देन द साउंड, तो साउंड आएगा अभी, लाइट कड़की है, बिजली कड़की, सुना कड़क कड़क, लाइट ट्रेवल फास्टर देन द साउंड, तो इसलिए जो भी दो गैलेक्सी का डिफरेंस है, अंतर है, लाइट ईयर भी गिना जाता है कि एक लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक साल में कितना वक्त लगता है, उस हिसाब से वो गैलेक्सी अपने यहाँ से कितनी दूर है वो लाइट ईयर में काउंट किया जाता है। तो आज जो है पोर्टल्स ओपन है, मेडिटेशन किए हो सके तो अपने नज़दीकी घर के पास में जो भी मंदिर है, जो भी मस्जिद है, जो भी गुरुद्वारा है, जो भी चर्च है, आप किसी भी धर्म के हो वहाँ जाइए, 10 मिनट के लिए क्यों ना हो मेडिटेशन कीजिए। अगर खेत पे हो, गांव से दूर हो, मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में नहीं जा सकते हो, किसी भी जो भी पेड़ ऐसा वाला पेड़, कोई भी पेड़, गए गए हट हट, तो कोई भी पेड़ के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे 10 मिनट जाके मेडिटेशन करो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चेस इसलिए क्योंकि वो पावर सेंटर है, वहाँ से अर्थ का जो कनेक्शन रहता है वो गैलेक्टिक डिवाइन सोर्स के साथ रहता है। और नेचर पेड़ के नीचे इसलिए क्योंकि ये गाया के साथ, पृथ्वी के साथ, इस जमीन के साथ जुड़ा हुआ है रूट से, तो वो भी कनेक्टेड है। और अब उसके पास जाके वो मेडिटेशन करते हैं तो वो जो है उसकी एनर्जी उसमें से वो ऑरा में स्प्रेड कर देता है। तो इसलिए आज पहाड़ पे नहीं जा पाया क्योंकि बरसात हो रही है, देख सकते हैं बरसात हो रही है, तो रास्ता जो है आगे का वो कच्चा है, पैर सटक रहा था, आधे किलोमीटर का जो रास्ता है ना, और उसके ऊपर ही पहाड़ का पूरा पूरा वो कच्चा रास्ता है, पैर सटक रहा था, गिरने का डर था, अभी गिरने का वक्त नहीं है, अब तो लड़ना, बहुत ज़बरदस्त कड़की फिर से, अब तो लड़ने का वक्त है। धर्म युद्ध, मैं अगर आपको स्टार्टिंग में 2020 में आके बोलता था कि
धर्म युद्ध है, आप पनीर टिक्का मत लो, ये तुम्हारा गॉड जिन खत्म कर देगा, ये तुम्हारा धर्म अधर्म सत्य असत्य, ये महाभारत कल की 2.0, ये सब कुछ है। आप लोगों को यकीन नहीं आता था, आप बोलते थे ये डॉक्टर है कि क्या है। जैसे आज भी कुछ हमारे सो कॉल्ड पत्रकार, खुद को पत्रकार कहते हैं और इल्यूमिनाटी का काम करते हैं, कंट्रोल अपोजिशन बन गए, क्रांतिकारी है वो जो इल्यूमिनाटी का काम करते हैं। ऐसी क्रांतिकारी तुम्हारे पास ही रखो, हम तो स्वतंत्र हैं। 144,000 रियल क्रांतिकारी जिन्होंने पैदा हुए हैं, इस बार जन्म लिया है, जिनको चूज किया गया है, जो स्टार सीड्स है, जो लाइट वॉरियर्स है, 108 जो भेजे गए हैं मार्गदर्शन के लिए, ये सारे के सारे इस कल की महाभारत 2.0 के रियल क्रांतिकारी, रियल वॉरियर। आप लोगों को पैदा नहीं होंगे, आप लोगों को पता नहीं होंगे कौन है कहाँ है, नारायण मिल जाएगा। अब अपना काम कर रहे हैं और अब तो ऐसा एक्सट्रीम टाइम है कि युद्ध के पहले की शांति है, ये जो बरसात हो रही है ना ये बरसात नहीं है, ये युद्ध की पहले की खामोशी है। भारत पे तांडव का हुआ था और मैं कह रहा था प्रार्थना करो, प्रार्थना करो तांडव ना हो, और कई सारे बेवकूफ, कहा है डॉक्टर जगदलाल तेरा तांडव, कहा है डॉक्टर जगदलाल तेरा तांडव, मेरे बाप की खेती नहीं है वो, मेरे घर का तांडव है, कॉस्मिक डांस ऑफ लॉर्ड शिवा है वो, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड है वो। और आज की ये बरसात, आज का ये बिजलियों का नृत्य, ये गर्जना, ये घोषणा, ये उद्घोष है उस महाभारत का, उस तांडव का, महाभारत के, इस महाभारत के 2.0 का। सुना आवाज, आवाज सुना, सुनाई दिया, ये उद्घोष है कि वो आ रहा है। अब वो किसको चूज करता है, 144,000 में से वो किसको चूज करता है, हम भी प्रिपेयर है, आ जाओ। और ये उद्घोष कल की महाभारत 2.0 आगाज कर दिया है, आएंगे तो हम ही लेके